15-20 दिन पूर्व आम भावुलु कि निश्चित भाव 180 आसन पाइब किंतु ए क्षेत्र में आमको लगुच कि 150 आसन पाइबा मुस्किल जहाँ कहते राहुल गांधी कहवा कथा मुझे भविष्यवाणी करूनी तो 15 दिन पूर्व आम भावुलु कि निश्चित भाव में जोटि की भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को जोटि की 180 आसन मिल कि 15 दिन पर लगुनी एत आसन पाइब 150 भितर सीमित रपटे आप देखते अखिलेश कहवा कथ अखिलेश कहते कि इंडिया मेट ये देखिए कि पूरा संगठित अच्छी उत्तर प्रदेश में तो दबदबा देखा देखिए कि एनडीए खाता खोली पारे ना अर्थात जो 405 जो नारा देता भारतीय जनता पार्टी एनडीए और एक क्षेत्र में देखिए कि 4 हो 00 अर्थात वाराणसी में नरेन्द्र मोदी हारुंट जो कथा अखिलेश कहवा कथा आम संगठित होकर लड़ुचु और पूरा स्ट्राटेजी प्रस्तुत करूँ मैदान को लाइचु और एथर एनडीए सरकार मेट सरकार कर जहाँ कहते अखिलेश मत से आम देखिए अरविंद केजरीवाल कहते एथर देखिए कि एनडीए मेट को 220-230 आसन मिल अर्थात आप देखो ये राहुल गांधी कहते जो 150 आसन मिल इंडिया मेटर केजरीवाल कहवा कथा 220-230 आसन मिल अर्थात राहुल गांधी 150 एपटे अरविंद केजरीवाल आप देखते 220-230 भितर और एक निश्चित भाव में देश गोटे पर हावा बहुची और नुआ नुआ स्ट्राटेजी बर्तमान समय जेहतु प्रस्तुत करंडी मेट को बड़ सफलता देव बर्तमान देखिए कि जो देश में जो हावा था बर्तमान से ही हावा आई एथर जबरदस्त सफलता मिल आम जून 4 मोदी नुहति एथर देखिए कि इंडी मेट सरकार बोली केजरीवाल मत रखिंट से हीपरी ममता बानाजी जिते बड़े पूरा चतुर्थ पर्याय निर्वाचन सरी आउ तीन पर्याय बाकी अच्छी याकू कि ममता का कहवा कथ ममता कहवा कथ कि 195 एनडीए को देखिए कि 195 आसन मिल पाए चतुर्थ पर्याय सुधा तो 200 अर्थात 200 भितर ही सीमित रही अर्थात 200 क्रॉस करना पार करना जहाँ ममता बानाजी मत से सामान कथा कहते एथर देखिए कि कौन से देखिए कि 405 जो नारा दि जाएगी निश्चित भाव में कौन से तरह माने ना और इंडी मेट को सफलता मिल कहीं आम समस्त एकजुट हो रही है जहाँ निश्चित भाव में गोटे रणनीति बदल एनडीए को 195 आसन मिल पाए ममता बानाजी मत रखिंट तेजस्वी कहते कि 100 एथर देखिए कि चतुर्थ पर्याय सुधा 100 आसन देखर जो प्रेडिक्शन रही जो भविष्यवाणी रही से कहते एथर 100 आसन मिल अर्थात आम जमी राहुल गांधी कहे 150 अखिलेश तो डबल स्टोन देखी देखते अर्थात वाराणसी में देखिए कि पराजय सामना करें एनडीए से कथा एक समाजवादी पार्टी एथर देखिए कि जबरदस्त आम इंडी मेट ये जबरदस्त प्रदर्शन कर लोके जहाँ भावि ना गोटे मिराकिल होबोली अखिलेश मत रखिंट तो वर्तमान समय अनेक चर्चा होगा स्वाभाविक कथा तो जिते आम अखिलेश कथना कहलु राहुल गांधी कथना कहलु से हीपरी ममता बानाजी कथा कहतु तेजस्वी कथा कहतु तो समस्त जो केजरीवाल समस्त निज निज मत रखिंट किंतु कि बीजेपी चाणक्य अमित शाह कौन कहते आपण आम सहित जोड़ी हुई रुहतु आम आपको कहूँ अमित शाह मत कौन जिते बड़े समस्ते बड़ बड़ नेता निजर मत रखिंट अमित शाह कहवा कथा एथर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एथर सरकार करुच्ची जो अबकी बार 412 नारा देते निश्चित भाव में आमको बहुमत मिल सारी जहाँ अमित शाह कहवा कथ आपत जानती 2019 जिते बड़े भारतीय जनता पार्टी ये जो बर्तमान सुधा आप देखते चतुर्थ पर्याय सुधा 379 आसन पाई वर्तमान सुधा देखिए कि सरी एवं ए क्षेत्र में जब 2019 कथा कंपेयर करवा 2019 देखूँ एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 210 आसन पाई कांग्रेस को मिलता 35 डीएम को 24 जेडीयू को 4 एसपी को 2 आसन मिलता तो 2019 अर्थात अमित शाह बीजेपी चाणक्य कहवा कथ आम 2019 जो 379 आम पाई 210 आसन एथर प्लस 60 अर्थात 300 वर्तमान समय देखिए कि 270 अर्थात 379 आमको ए पर्याय 270 आसन मिल पाए अर्थात 2019 जो आम 210 पाई ये प्लस 60 अर्थात 270 आमको 270 ए पर्याय आसन मिल आम निश्चित भाव में कि बार जो 405 कहते आम निश्चित भाव में बहुत इजिली आम 405 करूँ बीजेपी चाणक्य मत रखिंट तो बाकी आउ तीनो पर्याय बाकी अच्छी तीनो पर्याय भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को जबरदस्त सफलता मिल
ହେବ ବୋଲି ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିନି, ଆହୁରି ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାକି ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏବଂ କିଏ କେତେ ଆସନ ପାଇବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କେମିତି କହୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଫ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର। ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 50-50 ହେଉଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 50-50 ହେଉଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସେଠି କିଛି ସତ୍ତା ନାହିଁ, କେଉଁ ଆଧାରକୁ ନେଇକି କହୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି NDA ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥର ସରକାର କରିବୁ ଏବଂ ଏଥର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଦେଖିବା କି ଅଧିକ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶର ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରଗରମ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଏ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ। ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ମଧ୍ୟ ମତ ରଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ, ଆଲୋଚନା କରିବୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମତକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ରାଜନୀତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରଗରମ ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କ କଷା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ କହୁଛି କି ଜୁନ୍ 4 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ଦିନ ଏବଂ ଆମେ ଏଥର ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି NDAର କହିବା କଥା ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର ଆମେ ଏଥର ସରକାର କରିବୁ। ସରକାର ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ କରିବ, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନେତା ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସତ ହେବ। ତ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାକି ଅଛି, ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କିଏ ଆସନ ଦଖଲ କରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ନଜର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲୁ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଙ୍କ କଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ।